Hello friends, welcome to the Vyabha Creativity Zone. Thank you so much for all of your support and love. इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपके घर की जो मेडिसिन होती है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो मेडिसिन्स होती हैं वो हम एक जगह ऐसे ही इधर उधर रख के भूल जाते हैं और फिर ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमें ढूंढनी पड़ती हैं, और जब ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखी होती हैं तो अक्सर अगर हमको मेडिसिन की ज़रूरत है वो ख़त्म हो गई तो हमें पता भी नहीं चलता है। तो इस मेडिसिन को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जितनी भी घर की मेडिसिन है उसको हम एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। वॉट एवर टाइप ऑफ मेडिसिन, चाहे वो स्किन से रिलेटेड मेडिसिन हो, बच्चों की मेडिसिन हो, फर्स्ट एड से रिलेटेड हो, उन सबको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे अलग अलग पार्ट में। जैसे कि मैं कर रही हूँ, इसमें बच्चों की जो मेडिसिन है उनको अलग रख रहे हैं, उनकी अक्सर बॉटल्स होती हैं, शीशियाँ होती हैं छोटी छोटी, और फर्स्ट एड का अलग कर दिया जिसमें आपके बैंडेज हो गए और वॉलिनी हो गया, पेन रिलीफ हो गया, और एक है जैसे इनो गैस रिलेटेड है उस टाइप की मेडिसिन हो गई, स्किन केयर से रिलेटेड कुछ मेडिसिंस हो गई उनको अलग कर लिया। तो इस तरह से हम मेडिसिंस को पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर लेंगे, टैबलेट्स को अलग रख देंगे। अब सबसे पहले मैं बच्चों की मेडिसिंस रख रही हूँ। तो बच्चों की मेडिसिन रखने के लिए ये मैंने एक मोबाइल बॉक्स यूज़ किया है जो घर में पड़ा रहता है। आप इसकी जगह कोई भी बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्लास्टिक का बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं। तो ये देखिए, और जब भी मेडिसिन आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आप एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करिए, और वैसे भी हफ्ते या महीने में हमें एक्सपायरी डेट चेक करती रहनी चाहिए, और जो एक्सपायरी हो उसको हम फेंक देंगे, और जो एक्सपायरी भी नहीं हुई हो चलेगी, उसको हम इस तरह से कलेक्ट करेंगे। ये मैंने मोबाइल बॉक्स लिया हुआ है पुराना, तो इसमें रखना आसान रहता है एक जगह। ये देखिए, ये सारे बच्चों की मेडिसिन्स हो गई, और थोड़ी मेडिसिन ऐसे भी रखनी चाहिए जैसे कि फीवर की मेडिसिन है या पेन रिलीफ है, और बच्चों की नोज़ल ड्रॉप्स होती हैं, आई से रिलेटेड ड्रॉप्स होती हैं, तो ये ज़रूर रखनी चाहिए। और फिर अब मैं फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाने जा रही हूँ। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं फ़र्स्ट एड बॉक्स, जो कि 200 से 300 की रेंज में मिल जाते हैं, बट मैं अभी फ़िलहाल अपने घर में जो चीज़ें हैं उसी से बना रही हूँ। तो ये दूसरा मोबाइल बॉक्स पड़ा हुआ था, तो इसमें फ़र्स्ट एड बॉक्स बना रही हूँ। तो इसमें मैंने एक डिटॉल रखा है, और ये सुप्रामाइसिन हो गया, एक वॉलनी हो गया पेन रिलीफ स्प्रे, और इसमें मैं थर्मामीटर रख रही हूँ, ये डिजिटल है और नॉन डिजिटल है, तो उसको भी फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। आप चाहें तो कोई बॉक्स में भी रख सकते हैं ताकि वो ईज़िली अवेलेबल रहे। और टेप हो गया, बैंडेज हो गया, कॉटन रख देंगे, और आप इसमें एक सीज़र रख सकते हैं। तो ये एक तरह से फर्स्ट एड बॉक्स है। इसमें आप छोटी मोटी चीज़ें जैसे अमृतांजन है वो रख सकते हैं, विक्स पेपर अप हो गया, ये इस तरह से। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स है, तो इसको एक जगह कलेक्ट कर लिया। चाहे तो मेडिसिन्स को जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं उसको ऐसे भी रख सकते हैं कहीं सेल्फ में कॉर्नर में, बट सारी मेडिसिन्स को मैं एक जगह कलेक्ट कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक का बॉक्स यूज़ किया है, ये इस तरह से बास्केट है प्लास्टिक का। और इसमें अब जो बाकी स्पेस बचा हुआ है उसमें ये देखिए, मैंने हाजमोला, डाइजीन, जो कॉमन मेडिसिन्स होती हैं, इनो हो गया, तो ये सारी चीज़ें एक जगह रख दी, जिसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, किसी को भी पड़ सकती है। और ये ओडोमॉस है, तो ये बच्चों के उसमें रख देंगे, क्योंकि इस मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, इसमें मच्छर बहुत होते हैं, तो ये बच्चों के कपड़ों पे लगाने से बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, मच्छर नहीं आते। और फिर कुछ इस स्किन से डिसीज़ से रिलेटेड कुछ मेडिसिंस हैं उसको रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये एज कार्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ें घर में होनी भी चाहिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो कुछ चीज़ें होती हैं घर में तो बहुत ही आसानी रहती है, ज़रूरत पड़ने पर मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पिंपल्स की के लिए होती है। तो इस तरह से हम मेडिसिन्स को कलेक्ट कर लेंगे एक जगह, ये देखने में भी अच्छा लगता है, वेल ऑर्गेनाइज रहता है, और ज़रूरत पड़ने पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं,
और इस बॉक्स को हम एक जगह कहीं भी सेल्फ में और रख सकते हैं। जितनी भी टैबलेट्स होती हैं उनको एक जगह कलेक्ट करेंगे, फिर वही चीज़ सबकी एक्सपायरी देख लेनी है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो खाली पैकेट्स होते हैं उनको हम कट करके अलग कर देंगे इस तरह से। और आप चाहें तो घर में अगर कोई ओल्ड एज वाले हैं या जिनकी रेगुलर मेडिसिंस चलती हैं जैसे बीपी की हो गई या शुगर की हो गई, तो उनका एक अलग से आप बॉक्स बना सकते हैं, उनकी मेडिसिन अलग रखें ताकि उनको ढूंढने में आसानी रहे। और अलग से बॉक्स होगा तो अच्छा रहता है, अगर कोई रेगुलर मेडिसिन ले रहा है तो उसका बॉक्स अलग रखना चाहिए। आप इस तरह का प्लास्टिक का बॉक्स ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ओल्ड एज है इनकी रेगुलर मेडिसिन चलती है या कोई भी घर में मेंबर है जिसकी रेगुलर मेडिसिन चलती है तो उसका बॉक्स अलग से होना चाहिए और उसके बॉक्स के ऊपर स्लिप लगा देनी चाहिए ताकि वो अपने बॉक्स से निकाल के दवाई आसानी से खा सकें। तो इस तरह से हम अपने घर की मेडिसिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर एक प्लस का मार्क लगा सकते हैं रेड कलर का। बॉक्स में आपने सारी मेडिसिन रखी है उसके ऊपर इस तरह से हम प्लस मार्क रेड कलर का लगा देंगे, इससे कोई भी आसानी से पहचान लेगा कि मेडिकल बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है और आसानी से ढूंढ लेगा। और इसका हम एक स्पेस बनाएंगे, पर्टिकुलर स्पेस, वहीं पे मेडिसिन रखनी है। इस तरह से बॉक्स रख दिया कॉर्नर पे सेल्फ में, जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जिस भी कैबिनेट में कन्वीनियंट लगता है और वहाँ पे। और ये फाइल्स हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड फाइल हैं घर के मेंबर्स की, उसको पीछे वहीं पे एक जगह ही रखेंगे ताकि आसानी से सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं। ये देखिए इस तरह से। तो ये था मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।